हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय पुष्पा ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक फेस टिंट कैसे बनाया जाए। जी हाँ दोस्तों, फेस टिंट क्या होता है? वो अपने फेस को एक अलग शाइनी ग्लेजिंग करने के लिए, इंस्टेंट ग्लेजिंग करने के लिए एक ऐसा क्रीम जो आपके फेस को एक हल्का हल्का ग्लेजी और शाइनी और साथ में नेचुरल लुक भी दे। तो इस तरह का फेस टिंट बनाने के लिए दोस्तों आपको बस चार चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले एक कटोरी लीजिए और वैसलीन चाहिए और थोड़ा सा सिमर लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में जो आता है लिक्विड इल्यूमिनेटर, ठीक है। और आपका जो लिपस्टिक टूट गया है तो जो मेरी बेटी तोड़ देती है तो जो बच जाता है मैं इसमें रख देती हूँ। तो बस इतनी चीज़ की ज़रूरत है आपके फेस को टिंट, फेस टिंट बनाने के लिए। फेस टिंट एक क्रीम हुआ दोस्तों, जिससे फेस आपका हल्का हल्का ग्लॉसी और शाइनी रूप देगा। तो सबसे पहले आप अपने लिपस्टिक, थोड़े से लिपस्टिक ले लीजिए इस तरह से, थोड़ा सा बॉल में लिपस्टिक हल्का सा ले लीजिए और उसके बाद थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में सीमर आता है। अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में सीमर नहीं है तो कोई बात नहीं, सीमर जो मार्केट में अवेलेबल है 5 से 10 रुपए में जो सीमर पाउडर आता है उसे आप लेकर एलोवेरा जेल मिक्स कर दीजिए और उसमें थोड़ा बेबी क्रीम या कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर मिक्स करके इस तरह से सीमर लिक्विड आप बना सकती हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा वैसलीन मिक्स कीजिए, ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा वैसलीन मिक्स करना, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिक्स कीजिए। मेरा पूरा ख़त्म हो गया है। हाँ देखिए, इस तरह से चार चीज़ को इस तरह से मिक्स करके आप अपने एक बार भी बनाकर आप रख सकती है डब्बा में, ये कभी ख़राब नहीं होगा। आप इसे 6 महीना के लिए भी एक डब्बा में बनाकर रख सकती हैं कि बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका इस तरह से शाइनी फेस टिंट तैयार हो जाएगा। देखिए कितना लाइट पिंक कलर का आपका फेस टिंट रेडी हो गया है। अब इसे लगाते कैसे हैं, आप अपना जो कंप्लीट मेकअप करती हैं दोस्तों कर लीजिए और उसके बाद ये फेस टिंट को आप लेकर थोड़ा सा अपने चीक पे इस तरह से अप्लाई कीजिए। ये इस तरह से अप्लाई कीजिए दोस्तों। तो इस तरह से क्या होता है ना कि जो लिक्विड मेकअप होता है ना कि आपके फेस को एक नेचुरल लुक देगा। ये नहीं कि आप अलग से कुछ मेकअप की हुई है, जैसे पाउडर वाला मेकअप होता है तो आपका पता चलता है ना, इसमें आपका फेस पे कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये एकदम नेचुरल ग्लो करेगा फेस टिंट, ठीक है। देखिए ठीक है, आपको जहाँ जहाँ लगे एकदम उसे आप लगा लीजिए, आपका फेस एकदम नेचुरल ग्लो करेगा। पाउडर वाला थोड़ा सा पता चलता है कि आपने मेकअप अप्लाई किया है। आप इसे चाहे तो लिप्स पे भी अप्लाई कर सकती हैं। देखिए इस तरह से फेस टिंट, जिन लोगों को एकदम हेवी मेकअप बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो ये इस तरह का फेस टिंट क्रीम आप अपने फेस के लिए खुद से घर पे बना लीजिए दोस्तों। जी दोस्तों, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये मैंने अपने खुद से सोचकर बनाई हूँ कि जिन लोगों को बिल्कुल भी मेकअप पसंद नहीं है और जिनका स्किन डल है तो वो अपने फेस को कैसे नेचुरल ग्लो करे कि पता भी ना चले कि मेकअप लगाई है और उसका स्किन ग्लो करे, तो ये मैंने अपने अनुसार ये फेस टिंट तैयार की हूँ। अगर आपको ये मेरा नेचुरल ग्लॉसी क्रीम अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे ज़रूर बनाइए और अप्लाई कीजिए। और मेरे वीडियो को अगर पसंद करती हैं दोस्तों तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।